यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बात आजमगढ़ की, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव का आज से 3 दिवसीय भव्य निशुल्क शिविर और योग चिकित्सा प्रशिक्षण एवं ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है। योग गुरु रामदेव ने आजमगढ़ के आईटीआई के मैदान में लोगों को योग सिखाया, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। बाबा ने बताया कि योग और आयुर्वेद से मनुष्य आजीवन स्वस्थ रह सकता है और साथ ही साथ दैनिक जीवन में इसे शामिल भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे और जो भी देश समाज के लिए अच्छा करेगा वो उसका साथ देंगे। योग गुरु ने बताया कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो मानव कल्याण और राष्ट्रहित के लिए कर रहे हैं। वो पतंजलि योगपीठ और इसके अन्य प्रतिष्ठानों के मुनाफे सभी समाज कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित है। संपूर्ण जीवन को उन्होंने राष्ट्रोत्थान और मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। तो 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, निशुल्क शिविर, साथ ही साथ योग यहां पर सिखाया जाएगा। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने खुद लोगों को यहां पर आकर योग सिखाया और आपको बता दें कि कई लाख लोग यहां पर शामिल हुए जिन्होंने योग सीखा। साथ ही साथ बाबा रामदेव ने कहा कि उनकी राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है, ना ही वो राजनीति में आएंगे। तो 3 दिवसीय शिविर का जो आयोजन किया गया है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित के लिए और राष्ट्रहित साथ ही साथ देश के उत्थान के लिए ही वो काम करेंगे और जो भी देश के लिए सहयोग करेगा उनका साथ भी वो देंगे। तो रामदेव ने लोगों को योग सिखाया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहां पर योग सीखने आए।